अच्छा एक मिनट जी मैडम, बताइएगा रूडा के हवाले से आप किन को प्लाट देने जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ तमाम लाहौर के साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक मेरी जो बहुत मेहनत थी वो रंग ले आई है आज, कि एक रूडा में जो आपके प्लॉट्स हैं, जो जिसके ऊपर स्टे चल रहा था, जो पेंडिंग थे, जो आपको भी याद नहीं था कि स्टे है, वो मैंने आपको बताया कि उसको स्टे है, उसको विकेट कराना चाहिए। उसमें अरशद अंसारी साहब जो हॉट ट्रस्ट के सदर है हमारे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो केस डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज का मतलब है केस ख़त्म हो गया है और अब हम प्रोसीड कर सकते हैं रूडा के हवाले से। जो लॉर्ड प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, उनको एप्लीकेशन दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए फिर भी हमने ऑप्शन खुला रखा है। उसमें हमारे वो कैमरामैन जिनको मैंने धमकियाँ दी थी वो भी इसमें शामिल हैं और वो जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 10 साल से किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं उनको सिर्फ अपनी एक साल की जो सैलरी स्लिप है उसके साथ एप्लीकेशन जो है वो देनी होगी। और प्लॉट्स का जो है वो हमने साइज़ भी, कोई कैमरामैन अछूत नहीं है और कोई रिपोर्टर्स जो हैं वो हाई अप्स नहीं है, सबको 5 महल के प्लॉट पे हमने जो है वो कैप किया है और ये 3200 से ज़्यादा प्लॉट्स होंगे इंशाल्लाह ताला जो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से आप सबको मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि मैं कुछ अच्छा करने में कामयाब। ये कितने ये कब तक मिल जाएंगे? बहुत जल्दी है, जल्दीएस्ट एज पॉसिबल। ये भी स्टे जो है ये किसी को याद ही नहीं था, मैंने जो है वो कहा कि खुदा के वास्ते ये स्टे विकेट कराते हैं। इस पर अरशद अंसारी साहब ने आधा काम किया, जो डी जी पी आर के मुलाजम गए बैठे हैं उनको मैंने जो है रिक्वेस्ट की। डी जी पी आर का भी हमने 10% कोटा रख दिया है, इसीलिए उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया एप्लीकेशन और आज उनके विड्रॉ करने के बाद अलहमदिल्ला ये हम इस्तीफा।